पहला प्रश्न क्या है इसमें कि अबाउट हाउ ओल्ड वॉज गांधी जी व्हेन ही रीच्ड लंदन टू बिकम बैरिस्टर। तो कितने साल के थे वो जो बैरिस्टर बने थे और गए थे? तो ये कितने साल के थे? 19 साल के। तो इसमें वो चीज थी कि जब ये जा रहे थे उस टाइम पर 3 कसमें खिलाई थी मम्मी ने। मम्मी ने इनको कहा था अल्कोहल नहीं पियेंगे ना, पर नारी को हाथ नहीं लगाएंगे, यस ये इनको मांस नहीं खाएंगे है ना, बाहर जाके मांस नहीं खाएंगे। ये भी क्वेश्चन आ जाता जब ये गए थे ना, तो ये 4 सितंबर ये भी आ जाता कि कब गए थे, 1888 है ना। इस टाइम पे फर्स्ट टाइम जो गांधी जी ने मतलब कंट्री को छोड़ा था। और ये भी है कि उस टाइम पे माना जाता था कि जो समुद्र क्रॉस कर रहा है उसकी जाति खत्म हो जाती है, ठीक है। तभी जब ये वापस आए थे फिर इनको दोबारा से इनके ऊपर पूजा वगैरह करके ना इनको वापस अपनी बरादरी में या शुद्ध करके इनको वापस बरादरी में लाया गया था, ठीक है ना। तो ये बेसिक रहेगा। तो ये लॉ इंस्टीट्यूट है इनर टेम्पल लंडन का, वहां गए थे। On which day of March 1930 famous Dandi March was launched by Gandhi ji? तो ये किस दिन शुरू किया था ना, ये सॉल्ट मार्च है यहाँ पर, ये 12th मार्च ये प्रश्न बनता है। 12th मार्च को ना डांडी मार्च शुरू किया गया था। ये 24 क्यों है ये डांडी मार्च इस बार इम्पोर्टेंट इतना? आजादी के अमृत महोत्सव है ना, तो जब 75th ईयर होके अमृत महोत्सव हो रहा है तो दोबारा से ना उसी चीज को दोबारा से करके दिखा रहे हैं ना, री इनैक्ट कर रहे हैं। उस टाइम पे डांडी मार्च उसको भी पूरा करेंगे, इसलिए तो उसी टाइम पे से गांधी जी चले थे, ऐसे लोग जाएंगे, स्वच्छता है इन चीजों को भी प्रमोट किया जाएगा है ना, तो इसलिए ये न्यूज में काफी चल रहा है, इसलिए डांडी मार्च न्यूज में है। तो एग्जैक्ट इसीलिए डेट ना, तो इन्होंने नॉन वायलेंट अपना मार्च शुरू किया था। और फिर है ना 12 मार्च 1930 यहाँ से न्यू दिल्ली से ये मतलब जो स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। और इसमें क्या रहेगा, कहाँ पहुंचे थे लास्ट में? दरसाना है ना, दरसाना की तरफ जा रहे थे ये सॉल्ट बनाने के लिए, तब इनको पकड़ा गया था। और फिर इनके बाद किसने? सरोजनी नायडू, मनी लाल इनके बेटे, यस इनके वाइफ भी थे है ना। तो तीनों नेक्स्ट डे गए थे और फिर खूब लाठीचार्ज हुआ था उन लोगों के ऊपर भी। Which of the following is not true about Gandhi ji? He was married to Kasturba, है ना, Mukhanji at the age of 13 years. तो क्या 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी? ये चीज ठीक है, हो गई थी, बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एट द एज ऑफ अराउंड 46, बिल्कुल उस टाइम तक उन्होंने वो एकदम चेंज कर ली थी अपनी ड्रेस और अब है ना खादी पहनने लग गए थे जब रिटर्न करे थे गांधी जी इंडिया। इसीलिए जब ये आए थे उस टाइम पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, गांधी जी के आने के सेलिब्रेट करते हुए जब ये अफ्रीका से रिटर्न किए थे। वो भी प्रवासी भारतीय दिवस किससे कनेक्टेड है? गांधी जी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। कौन से ईयर में आए थे ये? 1915। तभी 1915 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी जी का रोल है। गोपाल कृष्ण गोखले इज अज्यूम टू बी द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। जीज है गोपाल कृष्ण गोखले, उनके पॉलिटिकल गुरु थे। इन्होंने गांधी जी को कहा था आप इंडिया आए हो इमीडिएटली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन मत करो, पहले पूरा इंडिया घूमो, एक बार पूरा इंडिया घूमोगे तब आपको समझ आएगा कि इंडिया की एक्चुअल क्या प्रॉब्लम्स है ना, और कैसे उसको ठीक किया जाए। और ही फाउंडेड साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद गुजरात इन 1918। फाउंडेशन किसने रखी थी? ईयर क्या है? 1915। सबसे पहले आए थे, आके इन्होंने साबरमती आश्रम बनाया था, फाउंड इन्होंने ही किया है। किस बेसिस पर? जो कॉन्सेप्ट थे इनके, जैसे हम कहते हैं कि गांधी जी जब आए थे कि आश्रम सिस्टम में ना कि सब लोग साथ आएंगे, खुद वर्क करेंगे ना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना, ये सारी चीजें इसके अंडर ही कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ? कौन सा करेक्ट नहीं है माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ के साथ? तो यहाँ पर इट वाज ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में भी थी, गुजराती में लिखी थी, बाद में ट्रांसलेट करी थी, ओरिजिनली नहीं लिखी थी, ओरिजिनली ये गुजराती में पब्लिश की गई थी। द बुक वाज ओरिजिनली पब्लिश इन 2 वॉल्यूम्स, फर्स्ट इन 1927 एंड सेकेंड इन 1929। यस, शुरू में ऐसा ही था, गुजराती में, स्टार्टिंग में इन्होंने गुजराती में ही लिखा था।
फिर उसके बाद इसको महादेव को वो महादेव देसाई जी उन्होंने किया था ट्रांसलेट ना, वो महादेव देसाई जी ने 1940 में इसको ट्रांसलेट किया था। तो इनकी जो स्टार्टिंग की जो जर्नी है वो इसमें लिखी हुई है। हाँ, पहले दो वॉल्यूम्स में थी। यस, पहले 1927, फिर सेकंड वॉल्यूम 1929, बाद में फिर इसको मर्ज कर दिया था। इसका आंसर बी ओनली होगा, 104 का बी। अच्छा, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है तो नन। एक मिनट देखो, जो नॉट करेक्ट है ना, तो ए नॉट करेक्ट है, बी करेक्ट है ना, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। ए होगा इसका आंसर, इसमें नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट है। ओरिजिनली गुजराती लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया गया था। इसके अलावा पांच, हु सेड हाफ नेकेड फकीर टू गांधी जी, चर्चिल जब ये गए थे तो वहां पर उस टाइम पर ना बेइज्जती की तरह हाफ नेकेड फकीर, क्योंकि गांधी जी है ना अपना वो धोती पहनते थे और बेयर बॉडी रहते थे, ऊपर से बस वो क्लॉथ ओढ़ के रखते थे, इस वजह से उनको चर्चिल ने कहा था है ना हाफ नेकेड फकीर। What is the correct chronological order? है ना, गांधी जी ने इस सबसे पहले कौन सा किया था? तो सबसे पहले गांधी जब आए थे तो क्या चलाया था? चंपारण है, फिर चंपारण 17 में हुआ था, फिर खेड़ा, फिर खेड़ा, बिल्कुल हंगर, और कहा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण, अहमदाबाद, फिर खेड़ा हुआ था। ये तीन आते ही इन्होंने करे थे। तो सबसे पहले हमारा तो यहाँ पर कौन सा रहेगा? जैसे देखो खेड़ा सबसे पहले किया हुआ है, उसके बाद हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है ना, तो चंपारण ही इसमें ठीक है, चंपारण खेड़ा है ना, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर ये खिलाफत मूवमेंट है ना, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन था, नॉन कोऑपरेशन किस पीरियड में हुआ था? 1920 वाला टाइप, 20-21 वाला टाइप था, खिलाफत हुआ था। फिर उसके बाद है ना इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, इसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट जब ये हो गया था तो पहले नॉन कोऑपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस, और फिर क्विट इंडिया 42 में क्विट इंडिया, तो वो चीज चलेगी, चीज भी ध्यान रखना, लास्ट में क्विट इंडिया हुआ। Who said about Gandhiji that generations to come will believe that such a one of, as this walked the earth in flesh and blood? ऐसा इंसान कोई चला होगा बिल्कुल धरती पर, एल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने कहा था कि ऐसा कोई, बाद में लोग बिलीव भी नहीं करेंगे, ऐसा कोई बंदा भी था एल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने किया था। At which of the following Congress session did Gandhi ji preside as president? Gandhi ji एक ही में preside करे थे, एक ही अधिवेशन था, कहाँ पर? बेलगाम, 1924 बेलगाम, बेलगाम में गांधी जी ने प्रिजाइड किया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टू गांधी सोशलिज्म है ना, इनके सोशलिज्म के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें ठीक रहेंगी, कि स्टेट की जरूरत ही नहीं, स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड, स्टेट इज रिक्वायर्ड, स्टेट इज समटाइम रिक्वायर्ड समटाइम नॉट रिक्वायर्ड, नन ऑफ द अबव। गांधी जी क्या कहते थे कि स्टेट की जरूरत है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये इस तरह से बात कर रहे हैं, जो मतलब एक आइडियलिस्टिक जो हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं गांधी जी के सोशलिज्म का, कि जो भी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारी चीजें लोगों के हाथ में होंगी, तो उसको कंट्रोल करने वाला नहीं चाहिए स्टेट, मतलब इस तरह से बात करते हैं कि जरूरत नहीं है, एक कंट्रोलिंग फैक्टर की जरूरत नहीं है, लोग अपने कंसाइंस से चलाएंगे, ठीक है। जो हम बात करते हैं ना कि ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर डिस्कस होता है। ट्रस्टी, ट्रस्टी में क्या है कि किसी की भी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए हमारे पास है, ताकि जो फ्यूचर है तो फ्यूचर के आने वाले लोगों के लिए ना वो हमारे पास रहेगी। तो ट्रस्ट, जैसे हम सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ट्रस्टीशिप की बात गांधी जी करते थे, ट्रस्टी है हम, ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए हमारे पास है, हमने इसका ध्यान रखना है और बाद में उसे दे देना है। तो उस टाइम पे जब गांधी जी ये सारे कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, नॉन पोजिशन का आइडिया दे रहे होते थे, और वहां पर कि हम लोग जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, अपने कंसाइंस के थ्रू कर रहे हैं,
जो हम जैसे ना हमारे अंदर की जो अंतरात्मा है उस पर विश्वास करना, वो कंट्रोल करेगा। इवन पॉलिटिक्स में भी रिलीजन विद पॉलिटिक्स बोलते थे, इस साथ में होना चाहिए। और वही है फिर वो, इसका मतलब ये ना कि रिलीजन बट रादर राम राज्य, जो हम वो बात कर रहे होते हैं ना कि गुड गवर्नेंस लेस गवर्नेंस के जो कॉन्सेप्ट है वो राम राज्य के कॉन्सेप्ट वो दे रहे थे गांधी। तो यहाँ पे स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर हम एग्जैक्ट बोलेंगे कि उनके सोशलिज्म में अगर हम बात करें तो इस तरीके से, वही एक फेथ इन गॉड वाली बात है गांधी जी प्रोफेस कर रहे हैं। हु इज द ऑथर ऑफ गांधी फेवरेट भजन, वैष्णव जन तो तीन ही गई है पीड़ पर आई जाने रहे, सुना बड़ा अच्छा है। तो कौन है? नरसिंह मेहता, श्याम भट्ट, संत ज्ञानेश्वर या पूरनदास, ये यस कवि नरसिंह दर्शन अभिलाषी ऐसे करके ना सुना आता है, नरसिंह मेहता जी का। हाँ सुना है गाना, सुना बड़ा अच्छा गाना है, नरसिंह नरसिंह भगत जी है, नरसिंह मेहता है ना, उन्होंने इसको किया था। ठीक है, तो भक्त गांधी जी का यही था, देखो क्या कि लोगों को जोड़ने के लिए ना वो यूज करते थे ऐसे अलग अलग भजनों का यूज है ना, और उसमें कि सब लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं, और वो स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि रिलीजन स्पेसिफिक थे, सबको जोड़ रहे, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, है ना। यस नहीं नहीं जैसे भजन ना वगैरह, भजन बजवाते थे ना वहां पर, भजन जब वो कर रहे हैं, ये वाला तो वैष्णव जन है ना, वैष्णव जन तो तीन ही कहिए पीड़ पर आई जाने रहे, दुख दूजे का हर कर भी अभिमान न मन में माने रहे, ऐसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गांधी डिस्क्राइब इट्स टू लंग्स, दो चीजें जो उनके से दो लंग्स की तरह है ना, अहिंसा पीस ट्रूथ एंड पीस, अहिंसा एंड ट्रूथ ना, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अहिंसा और सत्य, सत्य और अहिंसा है ना, ये दो चीजें ना गांधी जी बहुत प्रोफेस करते थे, सत्य और अहिंसा। इसमें ये भी है ना, जैसे अहिंसा और सत्य को गांधी जी पैरेलल मानते थे कि आप सत्य क्या है, एक तो सच बोलना, देखो ना इन चीजों में कहीं ना कहीं गांधी जी क्या बात कर रहे थे कि अपने हायर वैल्यूज की तरफ मूव करना है ना, आप सत्य जैसे आजकल हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं है ना, इधर शुड बी इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विस, वही सारे कॉन्सेप्ट जैसे आप जोड़ सकते हो जैसे गांधी जी के साथ ना, जब इंटीग्रिटी की बात होती है आप जो बोल रहे हो जैसे मनसा वाचा कर्मणा, तीनों मन में भी वचन में भी और कर्म में भी एक इंसान सत्य को फॉलो कर रहा है वो इंटीग्रिटी पे आ रहा है ना, जैसा बोल रहा है वैसा ही कर रहा है, इंटीग्रिटी के अंदर आ रहा है। गांधी जी इन सब चीजों की बातें करते थे, ठीक है, और हिंसा किसी के अगेंस्ट ना उसके अगेंस्ट थे गांधी जी का। तो ये दो चीजें, ऑन बीइंग अरेस्टेड फॉर क्विट इंडिया व्हेन गांधी जी वाज डिटेन, कहां इनको डिटेन किया गया था जब इनको पकड़ा गया था, बिल्कुल ये आगा खान पैलेस से नहीं, एक येरावदा, येरावदा येरावदा आगा खान, येरावदा पूना फैक्ट्री, आगा खान, आगा खान में रखा था इनको, आगा खान येरावदा जेल में जब इनको रखा गया था फिर पूना फैक्ट हुआ था, है ना, ये हुआ था जब यस 32 1932 आगा खान पैलेस में इनको रखा गया था, ठीक है। हाउस अरेस्ट है ना, 21 मंथ्स का इनको हाउस अरेस्ट किया गया था यहाँ पर जब इनको रखा गया था। आगा खान पैलेस बिल्कुल, महात्मा गांधी वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबल पीस प्राइज इन 1948 बट ही डाइड बिफोर इट वॉज अवॉर्डेड, हु गॉट दैट अवार्ड दैट ईयर, किसको नोबल प्राइज मिला था जो गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था, किस, बट हाँ ये चीज है कि वो हम ये भी नहीं बोल सकते गांधी जी को मिला ऐसा ना, हाँ वो नहीं अवार्ड हुआ था, किसी को भी नहीं मिला था, ठीक है ना, जब ये अवार्ड दिया गया तभी, जैसे ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि गांधी जी को नोबल प्राइज मिला था तो हम इस चीज को कि होना था अवार्ड बट नहीं हुआ, तो फिर नोबेल प्राइज उस टाइम पे नहीं दिया गया था महात्मा गांधी जी को ऑनर करने के लिए, नो सुटेबल लिविंग कैंडिडेट इस तरीके से बात हुई थी, नहीं दिया गया था। व्हेन वाज महात्मा गांधी नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन, टाइम मैगजीन ने कब कहा था 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर। व्हाट डज
आग्रह मीन इन सत्याग्रह, सत्याग्रह में सत्य का आग्रह है, स्ट्रगल प्रोपगेशन इंसिस्टेंस ट्राई, आग्रह ही हो गया इंसिस्टेंस का मतलब सत्याग्रह। गांधी जी बोलते थे ना कि सत्य का आग्रह सत्य है ना, और एक जब आग्रह की बात हो रही पोलाइटली बट फर्मली किसी चीज को फॉलो कर, एग्रेशन भी नहीं दिखाना है आपने, हिंसा भी नहीं करनी है, लेकिन फर्म रहना उस चीज पे, आपने फर्मली उस चीज को प्रोफेस करना है, प्रोपेगेट करना है ना? तो फर्मली इसकी बात हो गई थी, और एक तपस्या की तरह है। शुरू में तो बोलते ना गांधी जी की सत्याग्रह, फिर सत्याग्रही के गांधी जी ने वैल्यूज दी थी ना, कि आप बुराई को खत्म करने के लिए बुराई के अगेंस्ट बोलेंगे, लेकिन बुरा करने वाले को आप दिल से उसके लिए घृणा नहीं करेंगे, यू नॉट हेट दैट पर्सन, बंदे को हेट नहीं करेंगे। कितना टफ चीज है सोचो ना, किसी ने आपके साथ बुरा किया तो बंदे को बुरा नहीं मानना, जो गलत बात कर रहा है वो बुरा है ना, वो गलत है, और उसको उसको फिर ऐसे ना कि ये सत्याग्रही क्या है कि वो अपोज करेगा नॉन वायलेंटली, जैसे कोई कुछ गलत कर तो बोलना है आप गलत कर रहे हो, उसको क्रिटिसाइज भी करना है, और वो ना करे इसलिए उसको रोकना भी है। रोकना कैसे है फिर, वही जो बात होती है कि उसको फील कराना है। जैसे गांधी जी ये बात बोलते हैं ना कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है कि उस इंडिविजुअल को फील कराओ कि वो गलत कर रहा है, ठीक है ना। इतना मुश्किल है, बहुत टफ चीज है गांधी जी, तभी सत्याग्रह का जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट है ना, ये आसान है। वर्धा, वर्धा आश्रम कहाँ है ना, बिल्कुल ना, वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में गांधी जी ने इस्टैब्लिश किया गया था, और बाद में इसको नाम इसका चेंज किया था, सेवाग्राम रखा था, इसका नाम सेवाग्राम रखा गया था, ठीक है, विलेज ऑफ सर्विस महाराष्ट्र में है। What is the name of weekly started by Mahatma Gandhi in South Africa? South Africa में उन्होंने weekly start किया था, है ना? बिल्कुल। यहाँ नवजीवन, Indian Opinion, Young India और हरिजन, इसका नाम है Indian Opinion। न्यूज़पेपर गांधी जी ने फाउंड किया था, जाते ही 1903 वाला टाइम था, उन्होंने शुरू किया था नवजीवन, Indian Opinion, ठीक है ना, Indian Opinion South Africa। What is the period that referred in Gandhi's autobiography? किस पीरियड में उन्होंने, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है, कहाँ तक, कौन से टाइम तक उन्होंने लिखा था, गांधी जी लिखा ना, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट, यही है ना ऑटोबायोग्राफी गांधी जी की, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, कौन सा पीरियड है जो उसमें उन्होंने मेंशन किया है, जन्म से लेकर 21 तक, 1921 तक, तभी देखना 21 वाला पीरियड है, उसके बाद नहीं है, बिजी हो गए थे अपने जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में ना, तो उस टाइम उसके बाद वाला पीरियड नहीं लिखा था, 1921 तक का पीरियड है, बचपन से लेकर 1921 1869। सेक्रेटरी ऑफ गांधी जी आफ्टर द डिवाइस ऑफ महादेव देसाई कौन थे, पन्नालाल, प्यारे लाल, मोहन लाल या धर्मपाल, प्यारे लाल, प्यारे लाल उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी जी के, एक इनके पर्सनल फिजिशियन कौन थे, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, सिस्टर सुशीला, सिस्टर सुशीला इनके पर्सनल फिजिशियन थे। सिस्टर सुशीला फिर ये कंसीडर द फॉलोइंग, इनको देखना करेक्टली मैच कौन कौन से हैं। बिहारी गांधी, बिहारी गांधी किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है ना, बिहार से थे। श्रीलंका के गांधी है ना, एटी अरिया ना, अरिया तो नहीं, मॉडर्न गांधी ना, बाबा आमटे ना, अफ्रीकन गांधी, ये कौंडना करते है, कौंडा इनको निकनेम किया था अफ्रीकन गांधी, सिविल राइट एक्टिविज्म किया था 1960 में, उसके लिए इनको किया गया था, ठीक है, इनको नाम दिया गया अफ्रीकन गांधी।